नमस्कार, महाराष्ट्र मुंबई वालों के लिए खुशखबरी, अब कोरोना पाबंदी पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के ठंडे पड़ जाने के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सभी पाबंदियां खत्म होगी। इस बारे में सरकार में मंथन का दौर जारी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे टास्क फोर्स से सलाह करने के बाद पाबंदियों को हटाने का ऐलान करेंगे। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में यात्रा के लिए कोरोना वैक्सीन की दो डोज की प्रतिबंध को भी अभी तक न हटाने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। आप सभी को बता दें, लोकल में सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज की अनिवार्यता खत्म होगी। सिनेमाघरों, मॉल और अन्य जगहों पर प्रवेश करते समय वैक्सीन की दो खुराक की पाबंदियों को भी हटा जाएगा। ब्यूटी पार्लर और हेयर सैलून को भी पूरी क्षमता से चलाने की अनुमति मिलने की संभावना है। मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क को भी पूरी क्षमता से चलाने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल थिएटर 50% क्षमता पर चल रहे हैं, इन्हें भी पूरी क्षमता से शुरू की अनुमति मिल सकती है। होटल, रेस्तरां, भोजनालयों को भी पूरी क्षमता के साथ नियमित रूप से संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं मास्क को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे का कहना कि अभी कोरोना का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में फिलहाल मास्क पहनने की अनिवार्यता से मुक्ति मिलने की संभावना नहीं है। तो एक अच्छी खबर सामने आ रही है, आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई और मुंबई लोकल ट्रेन की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।